अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और फिजिक्स के लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हमारे एग्जांपल्स रह गई थी 7.6, 7.7, 9th फेडरल बोर्ड और चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स का, उसकी लास्ट टू एग्जाम्पल्स थी। तो एग्जाम्पल नंबर 7.6, सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऊपर। 7.6 एग्जाम्पल हमें कहती क्या स्टेटमेंट है जी, अ बर्ड समथिंग शिप टाइप को कहते हैं कुछ चीज़ है, ठीक है। 40 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 40 मीटर है और उसकी जो विड्थ है वो कितनी दी उन्होंने हमें, 8 मीटर दी हुई है। हुज साइड्स आर वर्टिकल वर्टिकल अच्छा फ्लोट्स पार्शली लोडेड इन द वाटर, यानी कि वो तैरती है उस नाम के उसमें थोड़ा सा कुछ लोड रखा हुआ है, जिस लोड की वजह से वो जो फोर्स लगा रही है या वो वेट लगा रहा है वो 1,25,000 न्यूटन लगा रहा है। तो आपने बताना है कि वो जो क्या नाम है इस कहते हैं इसे बर्ज या शिप, वो कितनी परसेंट पानी में सिंक हुई है, यानी कि हमें शिप की क्या दी है, लेंथ और विड्थ दी हुई है, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एरिया। एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सॉरी लेट मी राइट हियर, एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, वो जो हमें लेंथ और विड्थ दी हुई है हम उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वो है जी 40 मीटर लेंथ है और मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर क्या है इसका विड्थ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 320 मीटर स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने कहा उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें लोड की हुई हैं, पार्शली लोड है, थोड़ा सा लोड है और लोड की वजह से वो जो फोर्स वेट लगा रहा है वो जो उस पर यानी कि वेट लग रही है, वो वेट कितनी लग रही है जी उस पर 1,25,000 न्यूटन, 1,25,000 न्यूटन। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने बताना है कि कितना वॉल्यूम उस बर्ड्स का या शिप का पानी के अंदर है। अब मैं सोचूंगा अच्छा ये चैप्टर आ गया है, अब इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले हैं, उस नाम क्या है, किस फार्मूला के तहत मैं वॉल्यूम फाइंड कर सकूंगा। तो मैंने जब अप थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था बाय यूजिंग फार्मूला, लेट मी राइट हियर, अप थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला था जी एफ इज इक्वल टू रो वी जी, ये अप थ्रस्ट का फार्मूला था। आप देखिए वो जो फोर्स लग रही है वो वेट ही है, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा W इज इक्वल टू रो वी जी। उसके बाद यहां से मैं हाँ सबकी वैल्यूज पुट कर दूंगा, W की वैल्यू क्या है 1,25,000 न्यूटन, रो डेंसिटी ऑफ वाटर की क्या है 1000 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और जो है ये क्या कहते हैं इसे जो वैल्यू ऑफ जी है वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इनको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा 12.5 मीटर क्यूब। अब हमने बताना है कि वॉल्यूम तो आ गया, वो कितनी शिप की जो हाइट थी वो पानी में सिंक थी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे वो शिप बना दूँ, ये जो मैंने बोट बना दी है, तो मैं देखने कि कितना वॉल्यूम है वो कितनी हाइट, यानी कि कितनी हाइट उसकी पानी में वो है। तो पानी में अब जो हाइट तभी मिलेगी जब मैं वॉल्यूम होगा, मेरे पास लेंथ भी है विड्थ भी है, तो वहाँ से मैं वॉल्यूम निकालूंगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, हमें ये दोनों चीज़ें गिवन थी और ये हमने फाइंड की है 12.5 डिवाइडेड बाय 320 यस। ये मेरे पास आ जाएगा 0.04 मीटर
और जब इसको सेंटीमीटर में करूंगा मैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ये एग्जांपल नंबर 7.6। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 7.7 पे। इस एग्जांपल में हमने यंग मॉडुलस फाइंड करना है। यंग मॉडुलस में हमें यानी कि जो गिवन है वो लेंथ जब हम फोर्स लगा के चेंज करते हैं जिसको डेल एल कहते हैं वो होगी, ओरिजिनल लेंथ हमें गिवन होगी इसके अंदर और फोर्स है वो गिवन होगी हमें। तो हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सबसे पहले अ स्टील वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, यानी कि हमें उसकी लेंथ क्या गिवन है जी, 1 मीटर लॉन्ग है ओरिजिनल लेंथ। अब यहीं से मैं रखें क्वेश्चन रीड करके गिवन बना लेते हैं लेंथ। उसके बाद एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया है वो क्या गिवन जी हमें, 5 × 10⁻²। स्ट्रेच थ्रो, जब हम स्ट्रेच थ्रो 1 मिलीमीटर बाय द फोर्स, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे 10,000 न्यूटन की, 1 लाख न्यूटन की, 10,000 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो उसमें चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, 1 मिलीमीटर का। और 1 मिलीमीटर था 0.001 मीटर। तो हमें क्या गिवन है, ओरिजिनल लेंथ गिवन है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। जब उस वायर पे हम जोर लगाएंगे, फोर्स लगा के उसको खींचेंगे तो उसमें ये चेंज इन लेंथ आएगा। अब यंग मॉडुलस का फार्मूला याद होगा जी, बाय यूजिंग फार्मूला यंग मॉडुलस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इंटू एल नॉट यानी कि ओरिजिनल हाइट, ए इंटू डेल एल। एफ की वैल्यू क्या है जी यहाँ पे, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10,000 न्यूटन। एल नॉट हमारे पास है 1 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे पास 5 × 10⁻⁵ m², और हमारे पास डेल एल जो चेंज है वो है 0.001 मीटर। जब आप इसको कैलकुलेटर से बच्चों सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻¹ⁱ 2 × 10⁻¹ⁱ 11 Nm/s² अगर थोड़ा सा फर्क भी आए ना कैलकुलेटर से, क्योंकि ना मैं आपको सिर्फ गिवन किस्सा निकालना है, हाउ टू पुट द वैल्यूज, जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ मैं यानी कि देख लेता हूँ मैं, तो वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी कैलकुलेशन, क्योंकि इफ़ आई यूज़ अ कैलकुलेटर हियर इट विल टेक सो मच टाइम, तो आप बच्चे बोर ना हो जाए। तो ये है कि यहाँ पे हमारा चैप्टर डन है जी, चैप्टर के हमारे जो एग्जांपल्स है वो डन है, और इस चैप्टर में जो जो इश्यूज हैं, जो जो क्वेरीज हैं, एक इस चैप्टर का एक एग्जांपल मैंने आपको हिंट दे के आपको होमवर्क भी दिया, वो भी आपने सॉल्व करनी है, वो मेन एग्जांपल है वो, यानी कि नॉट इम्पॉर्टेंट ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये है कि उसमें हर चीज़ बंदे का दिमाग यूज़ होता है, तो स्टेटमेंट उसकी काफ़ी अच्छी है, तो वो आपने एज अ होमवर्क करनी है। और सी यू इन लेक्चर, टिल देन बाय बाय।